खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार सड़क हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत, 18 घायल। सुरक्षा बलों ने मारे 6 आतंकी, ऑपरेशन जारी। इस सुंदरी ने बढ़ाया प्रदेश का नाम। अब खबरें विस्तार से। सिवान जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, करीब 20 लोग घायल हो गए। वही चालक गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन जारी है। यह एनकाउंटर सेकीपोरा के बीच बहेरा में जारी है। सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए। इस एनकाउंटर की पूरी जानकारी मिलनी अभी बाकी है। तमाम बंदिशों को पार कर उसने अपने सपनों की उड़ान पाई। इस सुंदरी ने इतिहास रच डाला। पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की किसी लड़की ने एक साथ इतने खिताब जीते हो। राजधानी की रुबीना ने एलिट मिस इंडिया प्रतियोगिता में 3 खिताब हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया। रुबीना खान जो कि रायपुर की रहने वाली है, उन्होंने न सिर्फ रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की। रुबीना खान ने 20 साल की उम्र मिस इंडिया ब्यूटीफुल और इसके साथ ही मिस छत्तीसगढ़ का टाइटल जीता है। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने कैसे पदक हासिल की, इसके बारे में हम बात करें। रुबीना, ये बताइए कि क्या पेजेंट है जिसे आपने जीता है? एक तरह से ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ से किसी ने इस स्तर पे कॉम्पिटिशन जीता। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ रुबीना खान, रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मतलब तब तक मेरे यहाँ का सफर मैंने कैसे तय किया है, मैं बताना चाहूँगी। इस कॉन्टेस्ट में मुझे भेजने वाली है रूना शर्मा मैम, अनिता खंडेलवाल मैम, ये दोनों ही मुझे इस कॉन्टेस्ट का रास्ता दिखाएं। पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से वो दोनों लेडीज ने मुझे सेलेक्ट किया था, क्योंकि उनको खुद को मेरे पर भरोसा था कि मैं इसे अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करूंगी, तो रिप्रेजेंट करूंगी भी मैं, और वहाँ से कुछ ना कुछ एक अच्छा। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।